हे गाइस, हाउ आर यू टू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है युगान चौधरी और आज की जो वीडियो है काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कर्मोलाइट स्किन लाइटनिंग क्रीम का रिव्यू कीजिए, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर काफी वीडियो अवेलेबल है। उन वीडियोज में यह बताया गया अगर आप इस क्रीम को यूज करते हो 7 से 15 डेज तो आपकी स्किन के कलर को 4 से 5 शेड लाइट करती है। तो दोस्तों एक्चुअल में इस क्रीम की क्या सच्चाई, मैंने इस क्रीम को परचेस किया और पिछले 20 डेज से कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। और इसको यूज करने के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मुझे क्या कुछ मेरी स्किन में चेंजेस लगे, इसके क्या बेनिफिट्स लगे, इसके क्या साइड इफेक्ट्स लगे अगर आप इस क्रीम को यूज करते हो, तो इसके रिजल्ट के बारे में क्या एक्सेप्ट मतलब की अपेक्षा कर सकते हो, टोटली हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस प्रोडक्ट का ऑनेस्ट के साथ ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। तो इस वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं इसकी कंपनी क्लेम्स के बारे में। यहाँ पर कंपनी क्या क्लेम करती है, जो कर्मोलाइट स्किन लाइटनिंग क्रीम है वो कंपनी ये क्लेम करती है, अगर आप इस क्रीम को 10 से 15 डेज यूज करते हो तो आपकी स्किन को लाइटन बनाने के साथ, लाइटन मतलब कि आपकी स्किन को ब्राइट और व्हाइट बनाने के साथ, जितने भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम, जैसे कोई डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम हो गई या फिर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई, एक्ने पिंपल्स के जो मार्क्स वगैरह होते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस रिपेयर करने के साथ आपकी स्किन को ब्राइटन लुक देती है। अब दोस्तों मैं इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूं तो इसमें इंग्रेडिएंट्स के तौर पर जो इंग्रेडिएंट्स उसके वो सारे के सारे नेचुरल बेस्ड और केमिकल बेस्ड डाले गए। जो केमिकल बेस्ड और इंग्रेडिएंट्स डाले गए वो आपकी स्किन के लिए सेफ है, जिसके आपकी स्किन पर किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। दोस्तों इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इसमें कोजिक एसिड, टायरोस्टेट जो कि आपकी स्किन के लिए सेफ होते हैं, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन बनाने के साथ, आपकी स्किन को लाइटन बनाने के साथ, आपकी स्किन पर जैसे कोई डार्क स्पॉट की वगैरह की प्रॉब्लम हो गई या फिर एक्ने पिंपल्स के मार्क्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के साथ आपकी स्किन को ब्राइटन लुक देती है। तो दोस्तों मैं बता दूं अब जहां तक मैंने इस क्रीम को यूज किया है, मेरे हिसाब से अगर आप इस क्रीम को स्किन व्हाइटनिंग के लिए यूज में लेना चाहते हो तो यूज में ले सकते हो, लेकिन अगर आपके एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप इतना यूज में लेना चाहते हो उतना कुछ इफेक्टिव नहीं है। अगर आप स्किन व्हाइटनिंग के लिए भी यूज में लेते हो तो उतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, जैसे कोई 7 डेज में 4 से 5 शेड ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अगर आप इस क्रीम को रेगुलरली यूज करते हो ना 1 मंथ तक, तो आपकी स्किन थोड़ी बहुत लाइट हो सकती है, ब्राइट हो सकती है, क्लीन हो सकती है, ग्लोइंग हो सकती है, लेकिन उतना जल्दी उतना व्हाइट होना बहुत मुश्किल है, ऐसी कोई क्रीम नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपकी स्किन पर कुछ डैमेजेस की प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम को यूज में ले सकते हो, इसका रिजल्ट भी काफी कुछ अच्छा है। अब दोस्तों मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस 250 रुपीज है, जो कि 50 ग्राम का आता है, जो कि इजीली आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, ये ओनली फॉर ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपको ऑनलाइन ही परचेस करना पड़ेगा। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, अगर आप वहां से परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो, ये इजीली आपको वहां से 10 से 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रोडक्ट और भी कुछ क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू।